के तैयार कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप, और कुछ लोग अभी डिनर की तैयारी पर हैं, लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं। शाम के लगभग 7:30 बज रहे हैं। ये हमारे साथ यहाँ पर अपराध सर भी हैं, तो उस साइड हमारे पास आदित्य सर अभी थोड़ा सा इंतजाम कर रहे हैं। बारबेक्यू की तैयारी हो रही है सर। मौसम जो है इस वक्त काफी खूबसूरत। आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसी जैसी नाइट और ऐसे जैसा मौसम और ऐसा स्पॉट है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ लाजवाब जगह है। मेरे सेकंड के बारे में क्या मैसेज देना? कोई बात तो मेरी कोई जरूरत नहीं है। मौसम ठंडा, पानी साइड पर बिल्कुल क्लियर पानी, बिल्कुल आपको साफ पानी नजर आएगा, और बिल्कुल वैली में हम इस वक्त यहाँ पर हैं। चारों तरफ से आपको बड़े बड़े पेड़ नजर आएंगे, देवदार के पेड़ आपको नजर आएंगे, कीड़ के पेड़ आपको नजर आएंगे, और इन पेड़ों के बीच नदी में हम इस वक्त काफी खूबसूरत और काफी मंजर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप खबर को और थोड़ा बेहतर कराने की कोशिश करती, तो यहाँ पे मुझे लगता है कश्मीर वैली से बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है हमारे बदरवा वैली में कदम रखती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ तक, यहाँ ये बड़े खूबसूरत स्पॉट यहाँ पर है, उनको थोड़ा सा एक्सपोज करना है, दिखाना है लोगों को। सीखें तैयार हो रही हैं अब दिखा रहे हैं, और अभी अबरार सर अपनी हेडलाइट के साथ लगे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लोज जाकर हम आपको दिखाएंगे। ये सीखें तैयार हो रही हैं, और ये अबरार सर को आप देख सकते हो, आप सिर्फ इसकी हेडलाइट आप देख सकते हैं, बाकी अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और इसके साथ साथ सर इस साइड हमारे जिया सर अभी तैयार कर रहे हैं, आग जला रहे हैं। बारिश सजाद सर यहाँ पर फ्रेश बारबेक्यू की तैयारी यहाँ पर हो रही है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर यहाँ पर, प्रॉपर कैंपिंग की तरफ हमारा यूथ आज का टाइम क्या है? टाइम इस टाइम लगभग 8:30 हो गए हैं, रात के 8:30 हो गए हैं, देख सकते हैं बेबाँ जंगल यहाँ पर, और जंगल के बीच हम चार यार दोस्त बस। अभी सीखें तैयार हो गई हैं, सर, सर, एहसान सर, सलीम सर, मिस कर रहे हो, बहुत बढ़िया चीज मिस कर रहे हो। ये दिखाएं। तो अभी हम मजा ले रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ बने रहे। काफी ठंडा मौसम, और इस ठंडे मौसम में ये हमारे साथ सीख। तो इस चीज के साथ हम आज की रात इसी के साथ एंजॉय करेंगे। सर आज क्या मसला हुआ? अभी हमें आग नहीं जल रही है, खाना खाना बनाना था हमने, अभी हम सीखों पर ही कुछ गुजारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नहीं, हम अपने मिशन में
हमें एक तो चीज़ जो है भूल गई लाना, इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। अदरवाइज़ हम टाइम पे थे, हमने अपना पूरा जो भी इंतज़ाम रखा था वो पूरा था, पर एक दो चीज़ की वजह से, जैसे हमने लकड़ी, आग जो है वो गीली है यहाँ पे, थोड़ा सा लकड़ी गीली है, इसकी वजह से हम आग जला नहीं पाए। बट इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम अपने मिशन में जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये नाइट आउटिंग है, ये इन्हीं सब चीज़ों का नाम है, कुछ कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ये इन्हीं चीज़ों का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िया साहब, आपने बड़ी कोशिश की आग जलाने के लिए, लेकिन आप भी नाकामयाब रहे, कुछ क्या मसला रहा? आखिरी हथियार अभी हमारे पास ये बारबेक्यू का सिलसिला कंप्लीट करने के बाद इसी कोयले से हम आग जलाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारा मीट बन रहा है, आप देख सकते हो, आप यहाँ पर लाइट जल रही है, छोटी सी गैस थी हमारे पास, एक सिलेंडर जैसा था छोटा सा, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा मेट बना रहे हैं। लेकिन अबरार सर, इस वक्त क्या आप बना रहे हैं? सर प्लीज आप ये व्लॉग ना बनाएं, नजर ही नहीं आ रहे हो। ये तो देखिए हमारा चावल अभी बन रहा है, ये कोका कोला की बोतल से ना, जरा यार आए मेरे से बच्चों में। अभी देख सकते हो आप, नया बन रहा है यहाँ पर। ये हमारे अबरार सर इस वक्त रात के 12 बजे सुरीली आवाज में हमें एंजॉय कर रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पर अभी जिया सर इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बंसुरी बजाने में। जो भी आसपास जानवर होंगे वो अभी आएंगे। अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी देख सकते हो आप खतरनाक। तो ये अभी टेंट के अंदर का इंटीरियर है। ये हमारे साथ काफी खुश आतिफ साहब, ये आज का हमारा बेडरूम, आप देख सकते हो आप बेडरूम है। लेकिन आदिफ साहब को काफी गर्मी हो रही है, हालांकि काफी सर्दी है बाहर, लेकिन क्या करेंगे, अब मोटापा इतना ज्यादा है ना, इसमें कोई गर्मी है।